अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, हसीबा हेल्पर यूट्यूब चैनल में आप लोगों को खुश आमदीद कहते हैं। ड्रामा सीरियल सौतेली ममता का न्यू प्रोमो नशर कर दिया गया है, तो भी वीडियो को लाइक दोस्तों में शेयर कर दो, और अगर तक अभी तक आप लोगों ने बादशाह का अंजाम नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर से वीडियो को चेकआउट कर लीजिएगा। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो नाजरीन, सौतेली ममता के आने वाले एक साथ में आप लोग देखने वाले हो कि नाजरीन, जैसा कि आप लोगों को पता है कि नाजरीन यहाँ पर महनूर ने जैसे ही बताया मनाहिल को सब कुछ कि यहाँ पर तुम्हारा भाई मुझे फोर्स कर रहा है कि यहाँ पे दानियाल के साथ शादी करवा दो वरना मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, जिसके बाद नाजरीन वो फैसला करती है और नाजरीन यहाँ पे उसकी शादी तय करवा दी जाती है और नाजरीन यहाँ पे वो भी खुश होती है। और नाजरीन यहाँ पे जैसे ही उसे पता चलता है, दानियाल को कुछ नहीं पता, जिसके बाद नाजरीन वो मिठाई लेकर जाती है दानियाल के कमरे में और दानियाल को कहती है कि ये लो मिठाई, जिसके बाद नाजरीन दानियाल पूछता है कि ये क्या है, जिसके बाद नाजरीन वो कहती है कि मेरी शादी तय हो चुकी है तो ये उसकी मिठाई है, जिसके बाद नाजरीन दानियाल बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है, ये न्यूज़ सुन के शॉक्ड हो जाता है और नाजरीन यहाँ पे मनाहिल भी चली जाती है और नाजरीन वो बहुत ही ज़्यादा सोचता रहता है। और नाजरीन दूसरी जानब आप लोग ये भी देखोगे कि नाजरीन यहाँ पर फरहीन बहुत ही ज़्यादा खुश है, क्योंकि नाजरीन वो ये चाहती पहले से थी कि यहाँ पर दानियाल की ज़िंदगी से निकल जाए मनाहिल, जिसके बाद नाजरीन वो बहुत ही ज़्यादा खुश है। और नाजरीन यहाँ पे दूसरी जानब बता दिया है जवेरिया ने सब कुछ यासिर को, जिसके बाद नाजरीन वो कोई प्लान बनाने वाला है। तो नाजरीन अगर वो प्लान जानना चाहते हो तो नाजरीन अभी थोड़ी देर में मुकम्मल कहानी वाली वीडियो मैं बनाने वाला हूँ, उसे आप ज़रूर से चेकआउट कर लीजिएगा। तो नाजरीन वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक दोस्तों में शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कीमती रेखा कमेंट्स बॉक्स में जरूर कर देना। ओके बाय फ्रेंड्स, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, अल्लाह हाफिज़।